आफ्टर द टॉपिक नेगोशिएशन ऑफ अ बिल आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दिस एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, देन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे कि किस तरह किया जाता है, और इसी वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लगा के दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है व्हाट इज दिस एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर। एंडोर्समेंट क्या है? बिल पे हम साइन कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उस पर हम साइन कर रहे हैं। क्यों साइन कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर, किसी और को देने के लिए हम उस पर साइन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को। द होल्डर ऑफ अ बिल रिसीवेबल कैन एंडोर्स द बिल टू अनदर पर्सन बाय पुटिंग इट्स सिग्नेचर एट द बैक ऑफ द बिल। बिल के पीछे हम साइन करेंगे, मेरे पास अगर बिल है हम साइन करके किसी और का नाम लिख देंगे जिसको देना है, तो ये हो जाएगा हमारा एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। बहुत सिंपल से था। चलिए एक आप एग्जाम्पल से समझा देते हैं। सपोज ए है, उसके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक बिल है। अब वो क्या कर रहा है? बिल के पीछे टर्न करके नेम लिख रहा है सी का और अपना साइन कर दे रहा है। यहां पे इसने क्या किया? बिल के पीछे नेम लिखा और साइन किया, और किसको दे दिया? सी को। दिस प्रोसेस, दिस थिंग इज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। वेरी सिंपल। अब आते हैं एंडोर्सर और एंडोर्सी, जो दो टर्म आते हैं हमारे सामने वाइल एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, उसको हम समझते हैं क्या है। द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर। देखिए, जो ड्रॉअर है, जो बिल का ओनर है, हम ड्रॉअर वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। तो ए ने क्या किया? बिल सी को दिया है, तो ए कौन है? एंडोर्सर। ए इज एंडोर्सर, जिसको मिला है वो कौन है? एंडोर्सी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। द पर्सन हु एंडोर्स द बिल, जो पर्सन जो है जो एंडोर्स कर रहा है, किसी और को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम एंडोर्सर कहेंगे। जिसको बिल मिलेगा, जो रिसीव करेगा, उसको एंडोर्सी कहेंगे। काउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, हम यहां पर सिर्फ एंडोर्समेंट वाली एंट्री बताएंगे। इसके पहले वाली जो एंट्री थी, वो जो दो केसेस थे, वो अगर आपको आते होंगे तभी आप एंडोर्समेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस एंट्री के पहले जो एंट्री थी वो आपको आनी चाहिए, जिसमें बिल का एक्सेप्टेंस लिया जा रहा था और वो जो ड्रॉई था वो एक्सेप्टेंस दे रहा था। तो वो एंट्री आप ध्यान रखिएगा, उसी के बाद से जो एंट्री होगी वो एंडोर्समेंट का केस आ जाता है। तो हम एंडोर्समेंट की एंट्री करते हैं। तो एंडोर्समेंट में क्या होगा? जिस ये ड्रॉअर है, मान लेते हैं ये ड्रॉअर है, ड्रॉई है, और ये एंडोर्सी है, मतलब जिस थर्ड पार्टी को बिल दिया जा रहा है वो है। तो अब तीनों की बुक में एंट्री करनी होगी हमें। तो अभी हमने यहां पर क्या लिखा है? व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, एक्स के पास जो बिल है वो क्या कर रहा है? किसी और को एंडोर्स कर रहा है। किसको कर रहा है? वो हम मान लेते हैं जेड को कर रहा है। इसके पास बिल है, बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल एसेट होती है, डेबिट होता है। अब ये बिल किसके पास जा रहा है? जेड के पास। तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट होती है, डेबिट होगा। जब एसेट घटती है, क्योंकि इसके पास से वो बिल जा रहा है, घट रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट, हमने क्रेडिट कर दिया, जितने का भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। और ये बिल किसको मिल रहा है? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट जेड को मिलेगा। तो जेड अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री हो गई हमारी एंडोर्समेंट की, मैंने बिल को एंडोर्स कर दिया जेड के फेवर में। अच्छा, वाई के केस में कोई एंट्री होगी एंडोर्समेंट में? नहीं, क्योंकि वाई को कोई मतलब ही नहीं एंडोर्समेंट में, मतलब तो एक्स और जेड को है। तो यहां पर हम लिख देते हैं नो एंट्री, इस केस में वाई में कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसको बिल मिल रहा है जेड, ये बिल जो है इसके पास आया, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल है, ये डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया है? क्योंकि एसेट जेड के लिए, जेड की फॉर्म में एसेट बढ़ रही है, और कौन दे रहा है बिल? एक्स दे रहा है, एक्स अकाउंट। ये तो एंट्री हो गई एंडोर्समेंट की। तो ध्यान रखिएगा, एंडोर्समेंट की दो एंट्री होगी, एक तो ड्रॉअर के बुक में और एक एंडोर्सी के बुक में। अब मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट पे वाई को पेमेंट करना होगा। वाई किसको पेमेंट करेगा? कॉमन सेंस की बात है, इसके पास बिल है तो वाई इसको पेमेंट करेगा। अच्छा, जब व्हेन वाई पेज द अमाउंट, जब वाई पे करेगा तो एक्स के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल तो इसके पास है ही नहीं अब, तो इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब ये पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट करेगा तो इसके पास तो बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल हमेशा क्रेडिट होता है। जब बिल्स पेबल पे आउट किया जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने चाहिए, तभी आप जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए हैं, जिसमें जर्नल एंट्रीज कर एग्जाम्पल भी लेके समझाया। तो आप मेरी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप ढूंढ सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
और ये पे किसको करेगा? Z को करेगा, टू Z's अकाउंट। और पेमेंट इसको मिलेगा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। बैंक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू ये जो बिल रिसीवेबल इसके पास डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये तो हो गई सिर्फ एंडोर्समेंट की एंट्री, मैंने आपको बताई है। तो एंडोर्समेंट की एंट्री ये वाली है और ये एंडोर्सी रिसीव कर ले रहा है। ये इस केस में जब पेमेंट की एंट्री आएगी तो इसको कोई मतलब नहीं है, ड्यू डेट पे ये पेमेंट करेगा, ये पेमेंट रिसीव करेगा। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज बी ओड 5100 टू ए, मतलब बी को पैसा देना है ए को। ऑन 15th जैन 2017 ही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 5100 रुपीज देना था, लेकिन बी ने बिल कितने का एक्सेप्ट किया है? 5000 रुपीज का। तो 100 रुपीज का इसको डिस्काउंट मिल गया है, याद रखी गई चीज। फॉर टू मंथ्स का बिल ड्रॉ किया और इसने एक्सेप्ट किया है। ड्रॉन बाय ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। हमें कैसे पता चला ये डिस्काउंट हुआ है? क्योंकि यहां पे लिख दिया गया है साफ साफ फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो हम नहीं मानते कि ये डिस्काउंट है। फुल सेटलमेंट लिख दिया है तो मतलब पूरी तरह सेटल हो गया है। जर्नल एंट्रीज में हमने आपको इस बताया था कि फुल सेटलमेंट होता है तो जो अमाउंट नहीं लिखा होता है वो डिस्काउंट में आ जाता है। फुल सेटलमेंट की वजह से ये डिस्काउंट आ गया। और 18 जैन 2017 ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ए क्या कर रहा है? बिल किसी थर्ड पार्टी सी को, जो एंडोर्सी होगा उसको बिल एंडोर्स कर रहा है। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी पास जर्नल इज द बुक्स ऑफ एबीसी। तीनों की बुक में हमें एंट्री करनी है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, बिल को ड्रॉ करते हैं और एक्सेप्टेंस लेते हैं। तो बिल कौन ड्रॉ करेगा? दे डाल लिए, देखिए जैन 15 जैन 15, वो डेट अभी मत देखिएगा, सिर्फ ये दो डेट पे हम करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ बी। तो इसने बिल ड्रॉ किया है, तो बिल ड्रॉ किया है तो इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और इसने बिल कितने का दिया है? 5000 का बिल दिया है, लेकिन बिल जो इसको पैसा लेना था बी से वो 5100 था, तो 100 रुपीज का इसने डिस्काउंट दिया है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड, इसके लिए डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है 100 रुपीज का। और ये बिल किसको जा रहा है? टू बीज अकाउंट 5100। और सिंपल सी एंट्री थी, इसने से वही बिल की एंट्री कर रहे हैं, बस यहां पे एक नया टर्म आ गया डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, बी को डिस्काउंट मिल रहा है और ये एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो एक्सेप्टेंस किससे ले रहा है? ए से। तो इसकी बुक में एंट्री करते हैं, एज अकाउंट डेबिट, एक्सेप्टेंस दे रहा है ये, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। शॉर्ट में हमने लिख दिया डिस्काउंट सी, तो डिस्काउंट 100 रुपीज का मिला इसको, बिल इसका 5000 रुपीज का है, ओवरऑल इसको 5100 पे करना था। तो ये हो गई हमारी बिल को ड्रॉ करने की और बिल एक्सेप्टेंस लेने की। तो ये दो एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी तो हम यहां पर डैश कर दे रहे हैं, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। अब आते हैं आगे क्या हो रहा है। जैन 2018 में जो ए है वो अपना बिल जो है एंडोर्स कर रहा है सी को। जब बिल एंडोर्स किया जाएगा जैन 18 में, तो जैन 18 वाली डेट पे एक एंट्री पास होगी जो एंडोर्समेंट की एंट्री होगी, जो अभी हमने आपको बताई है। एंडोर्समेंट की एंट्री कैसे होती थी? ये बिल अपना उसको देगा तो वो एक्सेप्टेंस लेगा बिल का। तो एंट्री करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एंट्री करेंगे, यहां पे यहीं पे कर दे रहे हैं, जैन 18 हमने लिख रखा है तो एंट्री कर लेते हैं। तो ये एंडोर्स करेगा उसको, तो एंट्री यहां लिख लेते हैं, जैन 18 एंडोर्समेंट की एंट्री, सीज अकाउंट डेबिट, और ये बिल किसको जाएगा? बिल जो रिसीवेबल डेबिट था अब वो क्रेडिट हो जाएगा, बिल सी को जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 5000 का बिल है तो 5000 से एंट्री कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया एंडोर्समेंट की एंट्री हमने कर दी। आपको नरेशन लिखना होगा तो आप अपनी बुक से नरेशन देख सकते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। तो यहां पर एंडोर्समेंट के केस में इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। यहां पे हमने जैन 18 डाल रखा है तो हम यहां इरेज करके वो एंट्री एंडोर्समेंट की यहां कर देते हैं, जैन 18 को, और यहां पर भी जैन 18 हमने लिख दिया है। एंडोर्समेंट की एंट्री सी के बुक में भी होगी क्योंकि इसको बिल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल लिखेगा ये, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन बिल दे रहा है? ए, टू एज अकाउंट।
और बिल का अमाउंट है 5000। ये तो एंट्री हो गई हमारी एंडोर्समेंट की। अब आते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी पे। क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है कि 2 months का बिल है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी हमें निकालनी होगी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी, जैन 15 को बिल इश्यू किया गया है, तो जैन 15 के बाद 2 months काउंट कर ले, फरवरी 15, मार्च 15, मार्च 15 के बाद 3 days ऑफ ग्रेस, 18 मार्च आ गई हमारी ड्यू डेट। तो 18 मार्च पे हम बुक में एंट्री कर देते हैं अमाउंट रिसीव करने की। अब मैच्योरिटी डेट पे इसको तो कुछ अमाउंट मिलेगा नहीं, तो हम यहां पे लिख देते हैं नो एंट्री, क्योंकि इसके पास तो बिल रहा ही नहीं, तो जब बिल होता तभी पैसा मिलता, लेकिन इसके पास अमाउंट पे करना है अभी इसको, और इसके पास बिल है, तो ये पेमेंट किसको करेगा, सी को करेगा। एंट्री कर देते हैं सिंपल सी, ड्यू डेट पे जो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट की एंट्री होती है, डेट डाल देते हैं मार्च 18, ये ड्यू डेट हमने निकाली है, और ये मार्च 18 को अमाउंट रिसीव करेगा, ये ध्यान रखिएगा ड्यू डेट पे करनी है हमें एंट्री। ये पेमेंट करेगा तो इसके पास से बिल जो कैश है वो चला जाएगा, बैंक मान लेते हैं चला जाएगा, और बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल। अच्छा, बिल्स पेबल डेबिट क्यों हुआ, तो देखिए वही ऊपर लायबिलिटी बनी हुई है, बिल्स पेबल क्रेडिट होकर अब डेबिट होकर कैंसिल हो गई, और ये पेमेंट किसको करेगा, सीज अकाउंट, क्योंकि बिल सी लेकर आएगा इसके पास, अमाउंट 5000। नरेशन मत भूलिएगा एग्जाम में, आपको एग्जामिनेशन जब भी हो आपको नरेशन लिखना है, आप रफ में जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सी को, अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये अकाउंट डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल डेबिट था अब क्रेडिट हो जाएगा सिविल अकाउंट, अमाउंट इज 5000। तो ये तो हो गया एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का पूरा टॉपिक कंप्लीट।